हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे टोयोटा ग्लैंजा का। ग्लैंजा में आपको फोर वेरिएंट्स मिलते हैं, ESGV इसका सेकंड टॉप जी वेरिएंट है। ये गाड़ी कम्पीट करती है टाटा एल्ट्रोज, हुंडई i20 एंड मारुति बलेनो के साथ। ये गाड़ी आती है प्रीमियम हैचबैक के सेगमेंट में। फ्रंट में इसमें आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे, LED DRL टर्न इंडिकेटर, फॉग लैम्प इस वेरियंट में अवेलेबल नहीं है। इसके सराउंडिंग में आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगी। फ्रंट ग्रिल में आपको क्रोम फिनिशिंग मिलेगी, टोयोटा का लोगो फ्रंट से कुछ इस तरह का लुक है। इस कार में आपको सिंगल इंजन ऑप्शन मिलेगा, 1197cc फोर सिलेंडर। इसमें आपको पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। पेट्रोल में प्रोड्यूस करेगा 88.50 bhp एंड 113 Nm का टॉर्क, एंड पेट्रोल विद CNG में प्रोड्यूस करेगा 76 bhp एंड 98 Nm का टॉर्क। इसमें आपको कंप्लीट अंडर बॉडी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ये गाड़ी बनी है मारुति के हार्ड टैक प्लेटफॉर्म पे। इसमें आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, 195/55 R16, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। टर्न इंडिकेटर आपको ORVM पे मिलेगा। डोर हैंडल्स आपको क्रोम में मिलेंगे, रिक्वेस्ट सेंसर, विंडो बेल्ट लाइन भी आपको क्रोम फिनिशिंग में मिलेगी, क्वार्टर ग्लास। रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। ये गाड़ी बलेनो से 25,000 ज्यादा कॉस्ट करेगी। इसमें आपको 4 एयरबैग्स मिलेंगे, बलेनो में आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको ग्लैंजा की बैजिंग मिल जाएगी, टोयोटा का लोगो, यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिशिंग मिलेगी, वेरिएंट की बैजिंग, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, स्पॉइलर, रियर डिफॉगर, वाइपर, CNG की बैजिंग। इसमें आपको LED टेल लैम्प्स मिलेंगे, टेल लाइट, ब्रेक लाइट, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रिफ्लेक्टर। इसमें आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। लाइसेंस प्लेट की लाइट आपको हैलोजन में मिलेगी। रिवर्स पार्किंग कैमरा, फ्यूल टैंक कैपेसिटी में आपको 37 लीटर्स की मिलेगी। यहाँ से आप CNG फिल करवा सकते हैं, यहाँ से आप पेट्रोल फिल करवा सकते हैं। अब टेल गेट अनलॉक कर लेते हैं। इसमें आपको 318 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा, बूट लैम्प, CNG टैंक, स्पेयर व्हील, रियर पार्सल ट्रे। इसमें आपको कवर्ड टेल गेट मिलेगा। CNG टैंक 55 लीटर्स का है। अब टेल गेट को क्लोज कर लेते हैं। मुझे पर्सनली इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी है। इसमें आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, माइक्रो रूफ एंटेना, को ड्राइवर साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं इसके रियर में। रियर का डोर आपको ड्यूल टोन फिनिशिंग में मिलेगा, ब्लैक एंड बेज के कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलेगी, सॉफ्ट टच लेदर। इनसाइड डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिशिंग में मिलेगा, स्पीकर, बॉटल होल्डर, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस। मुझे पर्सनली इस गाड़ी का इंटीरियर बलेनो से काफ़ी बेटर लगता है। रियर में आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, आर्मरेस्ट इस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। रियर की सीट्स को आप 60-40 फोल्ड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। फोर ड्राइवर सीट आपको मैप पॉकेट्स मिल जाएगी, रियर रिसीव एंड टाइप ए एंड टाइप सी के पोर्ट,
थोड़ी सी स्पेस फोन प्लेस करने के लिए, ग्रैब हैंडल विद कोट हुक, ग्रैब हैंडल विदाउट कोट हुक, सेंटर में आपको एक कैबिन लैम्प मिलेगा हेलोजन में, रियर से फ्रंट का कुछ इस तरह का लुक है, क्वार्टर ग्लास। अब चलते हैं इसके फ्रंट में, इसमें आपको कुछ इस तरह की की मिलेगी लॉक अनलॉक के स्विच के साथ, लॉक करेंगे सिंगल ऑन, अनलॉक करेंगे ड्यूअल ऑन। अब कार को यहाँ से भी लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। फ्रंट डोर भी आपको ड्यूअल टोन फिनिशिंग में मिलेगा, सॉफ्ट टच लेदर, ऑल फोर पावर विंडो के कंट्रोल, इसमें से ड्राइवर साइड आपको ऑटो अप एंड डाउन के साथ मिलेगी, लॉक अनलॉक के कंट्रोल, पावर विंडो लॉक का स्विच, ORVM एडजस्टमेंट एंड फोल्डिंग के स्विच। इनसे टूल हैंडल आपको क्रोम फिनिशिंग में मिलेगा, पियानो ब्लैक फिनिशिंग, स्पीकर, वाटर होल्डर, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, ट्विटर। ड्राइवर साइड सीट को आप 6 वे एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट, रिक्लाइन एंड स्लाइडिंग, इसको आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। इस कार में आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलेगी, फ्रंट के भी एड्रेस आपको एडजस्टेबल मिलेंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच, यहाँ से आप CNG टू फ्यूल एंड फ्यूल टू CNG कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप हेडलैम्प की बीम को एडजस्ट कर सकते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच। इसी वेंट के सराउंडिंग में भी आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलेगी। कार को स्टार्ट कर लेते हैं, फ्यूल लेवल इज लो, प्लीज फिल द टैंक इमीडिएटली, कुछ इतना आपको इंजन का साउंड मिलेगा। इसमें आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ड्राइव टाइम, मोशन, पावर टॉर्क, एक्सेल, ब्रेक, टोटल CNG मोड टाइम और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ से आप ट्रिप को चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट साइड टैकोमीटर, राइट साइड स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको CNG का गेज मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा। CNG में कन्वर्ट होने के बाद कुछ इस तरह का डिस्प्ले मिलेगा, यहाँ पे आपको CNG एंड पेट्रोल दोनों का डिस्प्ले मिल जाएगा, इसमें आपको कुछ इस तरह का ऑन मिलेगा, डिसेंट सा है। स्टेयरिंग व्हील इस वेरियंट में आपको लेदर रैप्ड नहीं मिलेगा, लेफ्ट साइड इन्फोटेनमेंट के कंट्रोल्स, इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलेंगे, वाइपर के कंट्रोल्स, स्टेयरिंग व्हील को आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं बट टेलीस्कोपिक अवेलेबल नहीं है, बोनट का व्यू विजिबल नहीं रहता है, वाइपर्स की क्वालिटी डिसेंट है, डे नाइट ORVM। फ्रंट में भी आपको दो कैबिन लैंप मिलेंगे हैलोजन, को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, ड्राइवर साइड आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, दो AC वेंट, हजार्ड लैम्प का स्विच, यहाँ पे आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। इस कार में आपको बेस वेरिएंट से ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पे आपको USB का पोर्ट मिल जाएगा, ट्विन कप होल्डर्स, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, वायरलेस चार्जिंग इस वेरियंट में अवेलेबल नहीं है। इसमें आपको 5-स्पीड मैनुअल का ही ऑप्शन मिलेगा CNG में, बट अगर इसका पेट्रोल वाला वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको मैनुअल एंड 5-स्पीड ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। मैनुअल हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेदर आर्मरेस्ट है। ग्लव बॉक्स इसमें आपको कूल्ड नहीं मिलेगा बट डिसेंट साइज का है। डैशबोर्ड पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिल जाएगी, को ड्राइवर साइड कुछ इस तरह का लुक है, CNG की बैजिंग, इसमें आपको 7 इंचेस का टच स्क्रीन मिलेगा, इसे मारुति वाला है। इसमें आपको मिल जाएंगे 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स। अब एक सॉन्ग को प्ले कर लेते हैं, I'm
ऑडियो क्वालिटी डिसेंट है। यहाँ से आप बोनट एंड फ्यूलिड को ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर डैड पेडल मिलेगा, इसमें आपको फुटवेल लाइट्स भी मिलेगी कुछ इस तरह की। तो यही था टोयोटा क्लेंजा का रिव्यू। अगर आप उदयपुर या नियर बाय उदयपुर से हैं और आपको इस कार को परचेस करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।